अभी मैं EZI X माइक का रिव्यू वीडियो एडिट कर ही रहा था और एडिट करते करते जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा बाहर से बेल आती है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके आ चुके हैं, तो इसको एक बार यहीं पे पॉज कर दें। मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। प्रेजेंटली एक बार उन प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हो सकता है आपके काम का कोई हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा जो भी लगे आपको कि ये आपके काम का है। तो पहले एक बार उनको लेते हैं और फिर इसको एडिट करेंगे। चलिए, दूसरी खेप पहुंच चुकी है सामान की और बहुत सारा सामान यहाँ पे है। इसको अनबॉक्स करेंगे और एक एक चीज़ें देखेंगे और इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यों ना इसी डिब्बे को खोल लिया जाए, इसमें क्या निकलता है। मुझे नहीं पता कि किस डिब्बे के अंदर क्या है, एक एक करके खोलेंगे और देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैंने अपने घरेलू पर्पज़ के लिए भी लिए हैं और कुछ आपके लिए। तो इसमें तो मुझे घरेलू पर्पज़ के लिए ही प्रोडक्ट है, साबुन है, रख देते हैं साइड में। दूसरे नंबर पे ये प्रोडक्ट है, क्या है इसके अंदर, लेट्स ओपन दिस। मुझे लगता है कि इसको फाड़ना ही पड़ेगा। चलो इस डिब्बे को ऐसे फाड़ देते हैं। एंड ये देखिए डिब्बा तो इन्होंने डैमेज कर दिया पूरी तरह से। प्रोडक्ट देखते हैं, ये आपके काफ़ी काम की प्रोडक्ट हो सकता है। ये क्या है, ये एक एलईडी डिमिंग कोजी सॉफ्ट एलईडी टेबल लैंप है। एंड अब यहाँ पे इसको एक बार बाहर निकाल के देखते हैं, हालांकि इन्होंने ख़राब तो कर दिया। पूरा डिटेल्ड रिव्यू भी इसके ऊपर बनाएंगे। हाँ, वैसे प्रोडक्ट यहाँ पे अभी तक थोड़ा सा ठीक ठाक नज़र आ रहा है, बट प्लास्टिक चीप ही नज़र आता है। और ये USB टाइप सी की चार्जिंग केबल, इतना ही कुछ है। चले इसके बारे में भी इसको भी रिव्यू करेंगे। फ़िलहाल इसको भी साइड में रखते हैं। अब देखते हैं इस डिब्बे को। मेरे ख्याल से पहले यही डिब्बा ओपन कर लेना चाहिए, बड़ा सा है, कुछ ना कुछ काम की चीज़ें ज़्यादा निकलेंगी। इसमें 3-4 प्रोडक्ट निकलते हैं। एक तो ये है, ये क्या है, अमेजन बेसिक्स चार्जर। यस, ये एक अमेजन बेसिक्स का मैंने चार्जर बाय किया है और ये एक हाई स्पीड चार्जर है। 65 वाट का वाइट चार्जर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 वाट की रेटिंग इसके ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको भी एक हाई स्पीड चार्जर की रिक्वायरमेंट है और चाहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाए तो मैं इसका रिव्यू वीडियो बनाऊँगा। आप कमेंट्स में लिखते रहिएगा जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू आपको चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। इसी के अंदर ये निकलता है एक OTT Plus DD Free HD एक ये सेटअप बॉक्स टाइप का निकलता है। इसको सेटअप बॉक्स के लिए मैंने अपने टीवी के लिए मंगवाया है और ये 4K HDR को सपोर्ट करता है। इसमें ये कहा जाता है कि सारे चैनल्स लगभग फ्री हैं, तो देखेंगे कि कितने चैनल्स इसके अंदर फ्री मिलते हैं, कितना अच्छे से ये चल पाएगा और कैसी क्वालिटी रहेगी। खैर आप बताना इसका भी रिव्यू करना हो तो। बस यहाँ पर यहीं कुछ था। अब इस डिब्बे को ओपन करते हैं। इसके अंदर नहीं, घरेलू चीज़ें ही हैं। इसको भी शायद आपको रिव्यू नहीं चाहिए। निकालो और इसको फेंक दो। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। इस बड़े से प्रोडक्ट में क्या पहुंचा है, इस बड़े से डिब्बे में क्या पहुंचा है। ये है अगारो का स्पिन मॉप, वाटर स्प्रे एंड मोपिंग। तो ये अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप है, पोंछा लगाने की मशीन इलेक्ट्रिकली, और 1 साल की इसके ऊपर वारंटी मिलती है। इसका भी रिव्यू वीडियो ज़रूर बनाएंगे, देखना आप। ये है जियो एयरटैग, इसका भी रिव्यू वीडियो बनाएंगे अगर आप कहेंगे तो। जियो एयरटैग है ये और लगभग 1400 रुपये के आसपास, 1500 रुपये के आसपास मुझे इस सेल के अंदर ये मिल गया। काफ़ी काम की चीज़ है, देखेंगे, क्योंकि नया लॉन्च किया है जियो ने। इससे पहले जियो का ही एक और टैग आता था, ये नया लॉन्च है, न्यूली लॉन्च्ड है। क्या फ़ीचर्स हैं, कैसी क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट एप्पल से कनेक्ट करके एप्पल फाइंड माई ऐप की हेल्प से इसको यूज़ किया जा सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये कुछ अमेजफिट की वॉच है जो मैंने इसी सेल में बाय की है और आप देख सकते हैं मैंने अभी हाथ के ऊपर इसी को बांधा हुआ है। हालांकि मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूं पहले ही रिव्यू आप कहेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, लंबी बैटरी लाइफ है और क्वालिटी और फीचर्स का तो कहना ही क्या है, क्योंकि कोई भी दूसरी स्मार्ट वॉच इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ फीचर्स और ऐसी कुछ क्वालिटी दे पाएगी। आप कहेंगे तो रिव्यू वीडियो इसके ऊपर भी बनाएंगे। ये है एक अमेज़न बेसिक्स का ही स्मार्ट प्लग। ये काफ़ी चीज़ों को जो आपकी स्मार्ट नहीं है उनको स्मार्ट बनाने का काम कर देता है। डिवाइस है जो 5 एम्पियर तक का है, उसको स्मार्ट बनाने का वाईफाई से कनेक्ट करके आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए है। और एक ये भी मैंने इसी के अंदर बाय किया है। और प्रेजेंटली जो आप वीडियो देख रहे हैं वो इसी लेंस से बनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा लेंस है और इसकी फ़ीचर्स और क्वालिटी कहना ही क्या है। तो ये है सोनी का एक लेंस, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कहेंगे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अभी कुछ प्रोडक्ट्स ये आए हैं, अभी इतने ही प्रोडक्ट लगभग और पेंडिंग हैं। इसमें से किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिए। मेरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द आपको एक रिव्यू वीडियो दिया जाए। अब क्योंकि ये पहुँच गए पहले ईजी वाले प्रोडक्ट से पहले ही, क्योंकि मैं